हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हर क्लास के बच्चे को जानना आवश्यक हो जाता है अगर वो साइंस पढ़ रहा है। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पे और देखते रहिएगा आपका अपना चैनल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें कि स्पेशली बायोलॉजी से संबंधित जो क्वेरी है आपकी, जो थोड़े थोड़े जो आप एक दो टॉपिक नहीं जानते हैं, कोई अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि ये क्या है तो आप नहीं बता पाते हैं, तो उस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। कोई आपसे पूछ ले कि कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो उसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं। तो उसका जवाब यह है कि द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। ठीक, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल्स। जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक कहते हैं। ठीक, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, ये आप लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो इसमें इस प्रोसेस में होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल्स। सेल्स के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। एक आपका आंसर हो गया। फिर एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है उसको आप समझते हैं कि व्हेयर द बॉडी बिल्ड्स एंड रिपेयर मसल्स टिश्यू। ठीक, व्हेयर द बॉडी बिल्ड्स एंड रिपेयर मसल टिश्यू। ठीक, तो जो एनाबॉलिक प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, रिपेयर करती है और बिल्ड करती है मसल के टिश्यू को, उसे हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मतलब होता है बिल्डिंग अप एंड कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन। अब दोनों को मिला के एक प्रोसेस और कह दिया जाता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है द वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होती रहती हैं, उसी को क्या कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये दो तरीके की होती है, एक कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में ब्रेकिंग डाउन होगा लार्ज मॉलिक्यूल्स का सेल्स के अंदर, और एनाबॉलिक में क्या होगा, हमारी बॉडी बनाएगी और रिपेयर करेगी मसल टिश्यू को। तो ये आपके तीन क्वेरी समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो हम लोग खाना खाते रहते हैं, कहते हैं कि हम न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाते कि न्यूट्रिशन है क्या। तो अब हम लोग उसको जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग बीइंग ठीक ऑब्टेन फूड और सिंथेसाइज इट फॉर ग्रोथ रिपेयर मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन फॉर मीटिंग द एनर्जी। ठीक, तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच, जिसके द्वारा लिविंग बीइंग ऑब्टेन फूड, जिसके द्वारा लिविंग बीइंग ऑब्टेन करते हैं क्या, फूड को ऑब्टेन करते हैं और सिंथेसाइज इट, या फिर उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि यहां पे लिविंग बीइंग लिखा गया तो इसमें प्लांट भी आ गए, तो वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, ऑप्टेन करेंगे या फिर सिंथेसाइज करेंगे। जो एनिमल्स हैं वो ऑप्टेन करेंगे फूड को और प्लांट्स जो है सिंथेसाइज करेंगे, वो अपना खाना बनाएंगे। ठीक, क्यों बनाएंगे, फॉर ग्रोथ रिपेयर, ग्रोथ के लिए बनाएंगे, रिपेयर के लिए बनाएंगे। रिपेयर आपको हमने यहां पे बताया, रिपेयर होंगी सेल्स। ठीक, मेंटेनेंस अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक, फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड, जो हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो हमको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, वो खाने से मिल रहा है। तो व्हाट इज फूड, अगर कोई आपसे पूछ ले कि खाना है क्या, तो फूड इज ए सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक, ध्यान से सुनिएगा कि फूड इज ए सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। फूड क्या है, एक सोर्स है सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका सोर्स है। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और आपका आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, क्लोरीन, ईटीसी। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। वो आपको ये मिलेगा कहां से? यही सब आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। यही सब न्यूट्रिएंट्स आपके कहलाते हैं और इनको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज इट, दे ऑल आर एज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग। जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहां से प्राप्त करेगा? सराउंडिंग से प्राप्त करेगा और उनको यूज करेगा सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको इस तरीके से यूज करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर क्यों यूज करेगा भाई? फॉर बायोसिंथेसाइज ऑफ बॉडी, अपने बॉडी को बायोसिंथेसाइज करने के लिए। ठीक, जैसे कि एंजाइम को बनाने के लिए, एसिड को बनाने के लिए, फैट्स को बनाने के लिए। अब हम लोग ये जान गए कि खाना क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है खाने का, उसको अब हम लोग समझते हैं। जो फूड का इंपॉर्टेंस है वो क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं कि फूड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फूड जो है एसेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड स्टे अलाइव। अगर रहना है तो आपको फूड खाते रहना चाहिए, और अगर ग्रोथ चाहिए तो फूड खाते रहना चाहिए। इसी के क्रम में हम लोग जानते हैं कि जो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी लोग जानते हैं कि फूड क्या करता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम लोग फूड को यूज करते हैं। ठीक, और एज वेल एज जब क्या होता है कि फूड में जो है ऑक्सीडेशन होता है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है कि इसमें हीट 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 रिलीज होता है, खाने से हीट रिलीज होता है और वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। अब जो दूसरा होता है फॉर्मेटिव फंक्शन, ये कुछ फॉर्म भी करेगा, कुछ बनाएगा भी, तो ये क्या बनाता है? फूड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, ये न्यू प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। रिप्लेसिंग वॉर्न आउट, जो हमारी सेल्स जो हैं वो खराब हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, उनको बाहर करेगा सेल कंपोनेंट्स को। इंक्रीजिंग द नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स, और ये क्या करेगा? नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा। अब रेगुलेटिव फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में कुछ रेगुलेटिव फंक्शन भी करता है, जैसे कि एंजाइम आप लोग जानते हैं, विटामिन जानते हैं। एंजाइम, विटामिन एंड हार्मोन्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। विटामिन, हार्मोन्स एंड एंजाइम कंट्रोल्स वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये लोग कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और गुड हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि जो विटामिन है और जो एंजाइम्स हैं और जो आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं वो गुड हेल्थ एज वेल एज ये विटामिन्स करेगा, आपको डिजीज से बचाएगा, इसलिए इसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कह देते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस डिजीजेस से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा, साइंस से रिलेटेड था, लेकिन सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट था। और अब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन ऑर्गेनिज्म का, उसमें कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। वो भी हमें लगता है कि वो स्पेशली है तो हाई स्कूल का, टेंथ का, लेकिन अगर उसको सभी बच्चे देखेंगे तो सबके समझ में आएगा और सबको ये जानकारी होनी भी चाहिए। थैंक यू।